शिमला नागरिक सभा की केथु व अना जेल इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरु निवास चुंगी खाना केथु व अना जेल में एचआरटीसी टैक्सी सुविधा को लेकर एचआरटीसी कार्यकारी निदेशक श्री भूपिंदर अत्री से मुलाकात की। वो उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। कार्यकारी निदेशक ने आश्वासन दिया कि अगले कुछ दिनों के भीतर गुरु निवास चुंगी खाना केथु व अना जेल के लिए एक के बजाय दो टैक्सियों का प्रबंध कर दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में संजय चौहान, विजेंद्र मेहरा, जगत राम, बालक राम, रंजीव कुठियाला, अनिल ठाकुर, सोनिया सबरवाल, किशोरी ढटवालिया, हिमी देवी, हरमित सिंह, राकेश शर्मा, महेंद्र शर्मा व गोपाल आदि शामिल रहे। नागरिक सभा के इकाई संयोजक बालक राम व सह संयोजक रंजीव कुठियाला ने कहा है कि पहले गुरु निवास चुंगी खाना केथु अनाडेल के लिए दो एचआरटीसी टैक्सियां चलती थी, परंतु अब केवल एक टैक्सी के संचालन से स्थानीय जनता भारी परेशानी में है। गुरु निवास चुंगी खाना व केथु क्षेत्र में बस सुविधा के अभाव में आम जनता के लिए एचआरटीसी टैक्सी ही एकमात्र सहारा था। को लेकर आज आप एमडी कार्यालय पहुंचे थे और क्या आपको यहां से आश्वासन मिला? परिचय दीजिए पहले। बालक राम, शिमला नागरिक सभा का सदस्य, और आज जो हम टैक्सी के मुद्दे को लेकर केंथु और अन्ना डेल के वार्ड की जो लोगों की समस्याओं को लेकर जो टैक्सी पिछले बड़े लंबे समय से बंद पड़ी है, और उस मुद्दे को लेकर जो है हम आज महाप्रबंधक जी से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले कुछ दिनों में जो है उस टैक्सी को चलाया जाएगा, क्योंकि जो उससे दिक्कत आ रही है वो ये दिक्कत आ रही है जब वो टैक्सी, आज एक ही टैक्सी चल रही है अन्ना डेल और केंथु के लिए, जबकि एक डेढ़ साल पहले वो दो टैक्सी चलती थी और डेढ़ साल से वो बंद पड़ी टैक्सी है, तो उससे जो है बुजुर्ग और महिला और बच्चों को जो है बहुत दिक्कत आ रही है। इन्हीं बातों को लेकर जो है हम आज इधर महाप्रबंधक एचआरटीसी के महाप्रबंधक जी से मिले और उन्होंने जो है आश्वासन दिया है। क्यों ये टैक्सी बंद पड़ी, कुछ ये बताया कि किन कारणों से बंद पड़ी? क्या सवारी कम थी, क्या कारण? नहीं, वो सवारियों का नहीं है, उनके पास जो है ये जो टैक्सियां ही नहीं है। दरअसल जो दुर्भाग्य है हमारी जो सरकार और प्रबंधक का कि इस तरह के अगर लोगों को सुविधाएं देनी है, लोगों को सुविधा देने के लिए अगर वो टैक्सियां नहीं है तो एक बहुत चिंता का विषय है। वो प्रदेश सरकार को भी सोचना है कि लोगों को सेवा देने के लिए टैक्सी तो जरूरी है। सर, आप कह रहे हैं कि दो सालों से टैक्सी सेवा बंद है, इससे पहले भी आप प्रशासन से मिले हैं टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए? इससे पहले भी मिला था एक प्रतिनिधिमंडल, काफी समय पहले जो है मिला था, फिर भी उस टाइम जो है हमें आश्वासन ही दिया गया था। अभी हाल ही में ये अगर नहीं ये टैक्सी प्रोवाइड या अगले 10-15 दिन में नहीं की जाती है तो आने वाले समय में हम वार्ड लोगों को इकट्ठा करके जो है यहाँ जो है धरना प्रदर्शन भी इस तरह का किया जाएगा।